हे गाइस अप कैसे हैं आप सब लोग मेरा नाम है आशीष सजदेव और आप देख रहे हैं स्टडी विद आशीष गला थोड़ा सा खराब है थोड़ा सा बैठा हुआ है लेकिन जो अनाउंसमेंट है जो न्यूज है जो खबर आ रही है इंस्टीट्यूट के खेमे से वो बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए जी हाँ फाइनली इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया लेकर के आ गया है एग्जामिशन नोटिफिकेशन रिलेटिंग टू द न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर द सी स्टूडेंट्स ये नोटिफिकेशन आज के दिन याद नहीं अगस्त को रिलीज की गई है लेकिन जब ये वीडियो आप तक पहुंचेगा तब 25 तारीख हो जाएगी इस वीडियो में हम करेंगे एक डिटेल्ड एनालिसिस इस पूरी के पूरी अनाउंसमेंट का और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश मैं यहां पर करूंगा चैनल पे अगर आप सब लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मुझे फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए वीडियो को पूरा देखना है तभी आपको समझ में आएगा क्या क्या चेंजेस हैं और वीडियो को शेयर भी करना है अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी सी के स्टूडेंट्स हैं और नीचे कमेंट करके मुझसे बातचीत भी आपको जरूर करनी है चलिए सर वीडियो में आगे बढ़ते हैं क्या है हेडिंग और क्या है ये अनाउंसमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी हाँ तो इंस्टीट्यूट बात करता है एग्जेमशन फ्रॉम अपियरिंग इन पेपर और पेपर और ग्रुप ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जामिनेशन अंडर द न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग विद इफेक्ट फ्रॉम मई दो हजार चौबीस एग्जामिनेशन सर यहाँ पे मई 2024 क्यों लिखा है मई 2024 इसलिए लिखा है क्योंकि नवंबर 2023 में तो हम लोग पुरानी स्कीम के हिसाब से ही एग्ज़ाम लिखेंगे वहां पे पुरानी वाली एग्जामेशन ही अभी तक हमारे लिए काम कर रही है जी हाँ आगे इंस्टीट्यूट बोलता है न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हैज बीन इंप्लीमेंटेड विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट जुलाई 2023 वीडियो देखिए थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपको कंप्लीट देखना है अगर आपको पूरा समझना है तो फिर इंस्टीट्यूट कहता है द एग्जामिनेशन एट द इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल्स अंडर द न्यू स्कीम विल बी हेल्ड विद इफेक्ट फ्रॉम मई 2024 एग्जामिनेशन बिल्कुल हमें पता है ये सारी बातें

ये नई स्कीम को लागू किया गया है नए जो सिलेबस हैं रिलेटिंग टू इंटरमीडिएट और फाइनल उनको लागू किया गया है वहीं पे एग्जामेशन देने की बात करता है इंस्टीट्यूट टू एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स जो अभी स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी पुरानी स्कीम में फॉर पेपर्स पास्ड बाय देम अंडर दी ओल्ड और एग्जिस्टिंग स्कीम एज फॉलोज जो अभी प्रेजेंट में स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अगर पहले कोई एग्जाम के अंदर एग्जामेशन ली है तो उसके रिलेटेड उनको आगे किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा अंडर द न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग 2023 जो इंस्टीट्यूट लेकर के आया है आइए आगे चलते हैं और यहाँ पे बात की गई है फाइनल एग्जामिनेशन की अब मैं ये पैराग्राफ्स पूरे पूरे वापस से नहीं पढ़ूंगा यहाँ पे रेगुलेशन का नंबर वगैरह यहाँ दिया हुआ है हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट कहना क्या चाह रहा है हेडिंग को देखते हैं पेपर वाइज एग्जामिशन ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिंग और अगर आपके आपके या उससे ज़्यादा ज़्यादा आ आ गए गए, हैं, right, existing scheme के अंदर, तो तो आपको आपको नई में पुरानी scheme में में, से पुरानी स्कीम में एग्जिस्टिंग स्कीम में अगर आपके साठ से ऊपर मार्क्स आ गए तो नई स्कीम में आपको कौन से सब्जेक्ट में कॉरेस्पोंडिंग एग्जामेशन मिलेगी उसकी बातें यहाँ पे इंस्टीट्यूट हमसे करना चाहता है आइए देखते हैं तो सबसे पहला पेपर है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अंडर दी एग्जिस्टिंग स्कीम अगर हम बात करते हैं फाइनल की यहाँ पे फाइनल की बातें चल रही हैं सर ध्यान रखिएगा फाइनल की बात हम यहाँ कर रहे हैं सबसे पहला पेपर पहले दो ग्रुप हुआ करते थे अब भी दो ग्रुप हैं लेकिन पहले आठ पेपर हुआ करते थे दोनों ग्रुप में मिला करके अभी पेपर छः हैं लेकिन सेल्फ प्लेस्ड मॉड्यूल्स भी हैं तो उनकी बातें इंस्टीट्यूट यहां से किस तरीके से करता है आइए देखते हैं पेपर वन पहले हुआ करता था फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अब भी पेपर वन है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो कोई दिक्कत नहीं है बल्ले बल्ले हो गई है और यहाँ पे आपको एग्जामिशन मिल जाएगी नई स्कीम में भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की पेपर टू की अगर हम बात करें तो वहां पे पहले सब्जेक्ट का नाम था स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट अब उस सब्जेक्ट का नाम है एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक है सर नाम में थोड़ा सा परिवर्तन है काम लगभग सेम रहने वाला है हालांकि जो चेंजेस हैं सिलेबस में वो भी आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे पेपर थ्री पहले हुआ करता था एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स अब पेपर थ्री में भी एक नाम और ऐड कर दिया अश्योरेंस तो अब पेपर का नाम है एडवांस्ड ऑडिटिंग अश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स तो पेपर थ्री के बदले पेपर थ्री मिल गया पेपर फोर जो पहले हुआ करता था कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज ठीक है अब पेपर फोर है नहीं यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल सेट ए जो बात करेगा किस पे कॉरपोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज पे पेपर फाइव यहां पे है स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन यहां से भी पेपर फाइव हट गया है तो यहां पे कौन सा पेपर है सर अब सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल सेट बी स्ट्रैटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ठीक है, चलिए सर उसके बाद इलेक्टिव पेपर की हम बात करें पेपर नंबर सिक्स जो हुआ करता था सीए फाइनल में इलेक्टिव पेपर उससे रिलेटेड पेपर सिक्स नए वाले जो हमारा करिकुलम है उसमें इंटीग्रेटेड बिजनेस सोल्यूशन है अब यहाँ पे आपने कोई भी इलेक्टिव पेपर किया हो पहले आपको एग्जामेशन इंटीग्रेटेड बिजनेस सोल्यूशन का ही मिलेगा ठीक है उसके बाद सेवेंथ पेपर है हमारा डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन यहां पर पेपर नंबर फोर हो गया है ये नाम बिल्कुल सेम है केवल इसका अंतर है देखिए आप अंतर ढूंढिए ठीक है यहां पर और इंटरनेशनल टैक्सेशन की बातें यहां पर भी इंस्टीट्यूट हमसे करेगा और उसका कॉरेस्पॉन्डिंगली यहां पर हमें एग्जामेशन जो है मिल जाएगा पेपर सेवन का अगेंस्ट पेपर फोर फिर पेपर एट का इनडायरेक्ट टैक्स लॉस का पेपर फाइव के अगेंस्ट एग्जामेशन हमें मिल जाएगा तो आई होप यहां पे आपको चीजें फाइनल के स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाएंगी मैं टाइम टाइम्स डाल दूंगा ताकि जो पार्ट वीडियो का फाइनल वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हो वो वो देख लें इंटरमीडिएट वालों के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो वो देख लें ठीक है इंटरमीडिएट का बहुत लंबा नोटिफिकेशन है उसको भी हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करने की कोशिश आप लोगों के लिए की है अब यहां पे तो हमने कॉरेस्पॉन्डिंग पेपर वाइज सब्जेक्ट वाइज बात कर ली अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट कहता है डिटेल्स ऑफ पेपर और ग्रुप इन विच कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर एंड पास इन फाइनल एग्जामिनेशन अंडर न्यू स्कीम ये बोल रहे हैं नवंबर में अगर आपने कुछ चीजें क्लियर कर ली एग्जिस्टिंग स्कीम में और कुछ आपका बच गया तो आपका वो बचा हुआ क्या है वो बताने की क्लैरिटी इंस्टीट्यूट अब करेगा तो इसको भी समझना बहुत जरूरी है सीए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए आइए सर बताते हैं आपको क्या आपको करना बाकी रहेगा तो यहां पे टेबल दी गई है Institute के द्वारा तो इस टेबल को रीड कर लीजिए आप आप ध्यान से और जब इस टेबल को आप खुद रीड आप क्या -क्या अगर आपने कोई एक पूरा ग्रुप यहां पे पास कर लिया एग्जिस्टिंग स्कीम के अंदर अगर वो ग्रुप वन है तो आपको कौन से पेपर देने होंगे नई स्कीम में वो यहां लिखा है अब बचे हुए ग्रुप वन हमने सर फाइनल का ये बातें अभी फिर से फाइनल की चल रही हैं मैं बार बार आपको क्लियर करता चल रहा हूं ताकि आपको समझ में आता रहे कि बातें जो हैं फाइनल की यहां पे चल रही हैं सर ठीक है ठीक है सर आपने क्लियर कर दिया हमें समझ में आ गया राइट right? ये देखिए चलिए हम्म पेपर वन ग्रुप वन अगर आपका क्लियर हो गया तो आपको नई स्कीम में ऑब्वियसली सेकंड ग्रुप ही देना होगा और सेकंड ग्रुप में कौन कौन से पेपर हैं पेपर फोर डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन पेपर फाइव इंडायरेक्ट टैक्स लॉज पेपर सिक्स इंटीग्रेटेड बिजनेस सोल्यूशन और दो सेल्फ प्लेस्ड मॉड्यूल जो है यहाँ पे वो आपको देने पड़ेंगे यहाँ पे सेल्फ प्लेस्ड मॉड्यूल सेट बी कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात यहाँ पे की गई है सर दूसरा वाला सेल्फ प्लेस्ड मॉड्यूल क्यों नहीं देना पड़ेगा सर क्योंकि जो कॉर्पोरेट लॉ वाला सेल्फ प्लेस्ड मॉड्यूल था वो आपका पेपर वन में ही एग्जाम वहां पे हो गया और यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने सितारा भी कुछ लगाया है यहाँ पे देखिए इस सितारे को भी हम पढ़ लेते हैं फाइनल कोर्स स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन अंडर न्यू स्कीम मे क्वालिफाई सेल्फ प्लेस्ड मॉड्यूल्स एज एप्लीकेबल आफ्टर पासिंग मे ट्वेंटी फोर एग्जामिनेशन बट बिफोर अप्लाइंग फॉर मेंबरशिप देयर आफ्टर द कैंडिडेट्स वुड बी एलिजिबल फॉर सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन ओनली आफ्टर Only after qualifying self-placed modules as applicable। क्या कि आप जो सेल्फ प्लेस मॉड्यूल हैं उन्हें बाद में कर सकते हैं मई वाली अटेम्प्ट के उसके बाद आपको सेल्फ प्लेस मॉड्यूल हमेशा आपकी फाइनल की परीक्षा से पहले ही करने पड़ेंगे और मई वाले बच्चों को भी ये ध्यान रखना है कि हम मई के बाद कर लें लेकिन मेंबरशिप लेने से पहले पहले हमें सेल्फ प्लेस्ड मॉड्यूल जो भी हमारे लिए लागू है वो हमें करना पड़ेगा ये इसलिए इंस्टीट्यूट ने थोड़ी सी छूट दी है थोड़ी सी रियायत दी है ताकि टाइम जो है वो बच्चों का ज़्यादा ना लगे सेल्फ प्लेस्ड के चक्कर में वो यहाँ वहाँ ना भटकें और घबराएं नहीं और इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की बात करी है रिगार्डिंग सेल्फ प्लेस्ड मॉड्यूल ठीक है अब यहां पे पेपर्स अगर हम देखते हैं पास अंडर एग्जिस्टिंग स्कीम पेपर वन पास कर लिया पेपर टू कर लिया एग्जिस्टिंग स्कीम का पेपर पेपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर थ्री एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल इथिंग्स राइट और पेपर फोर कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस तो उनके अगेंस्ट जो पेपर थे ये हमने ऊपर ऑलरेडी देख लिए थे जिनमें हमें एग्जामेशन मिल जाएगी तो पेपर वन से पेपर वन Financial reporting, paper 2 का नाम थोड़ा सा बदला है 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 पे पे हो गया है, paper 3 में auditing, advanced auditing assurance कर दिया है, और paper 4 की जगह राइट तो ये हो गई ग्रुप वन की कहानी अब ग्रुप टू की अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप टू अगर आपने क्लियर कर लिया है एग्जिस्टिंग स्कीम में तो आपको कौन से पेपर देने पड़ेंगे नई स्कीम में वो यहाँ पे है पेपर वन देना है पेपर टू देना है पेपर थ्री देना है और पेपर फोर की जगह जो हमारा कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस था उसकी जगह सेट ए सेल्फ प्लेस मॉड्यूल का वो आपको देना है कॉरिस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट वाइज एग्जामेशन भी यहाँ पे मैंशनड है हम ऑलरेडी उनकी बातें कर चुके हैं ध्यान देने वाली बात यह है इलेक्टिव पेपर के अगेंस्ट में इंटीग्रेटेड बिजनेस सोल्यूशन का एग्जामेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा आई होप आपको यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी तो यहां तक बातें क्लियर होती हैं सर और यहां पे वापस से सितारा बना हुआ है और सितारा वही कहता है मई वाली बात कि आप सेल्फ प्लेस्ड इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स जो हैं वो मई 2024 के बाद कंप्लीट कर सकते हैं मेंबरशिप से पहले राइट right. उसके बाद यहां पे लास्ट लाइन जो दी गई है इसको भी पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स हु हैव इन फाइनल ओल्ड स्कीम एंड कन्वर्टिंग इन फाइनल न्यू स्कीम आर एग्जेमटेड फ्रॉम अपियरिंग इन सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल सेट सी एंड सेट डी तो फाइनल वाले बच्चों को सेट सी और सेट डी से यहाँ पे रियायत इंस्टीट्यूट ने छूट ऑलरेडी दे दी थी अगर वो नई स्कीम में आते हैं तो चलिए सर यहां तक की बातें हो गई कंप्लीट अब बात करते हैं इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट से इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट कृपया थोड़ा ध्यान दें यहाँ पे नोटिफिकेशन आकर के थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाती है और ऐसा लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा लेकिन हम यहां पर हैं आपको समझाने के लिए तो पेपर अंडर एग्जिस्टिंग स्कीम और उसके कोरिस्पॉन्डिंग कौन से पेपर होंगे वो देखते हैं तो पेपर वन पहले हुआ करता था अकाउंटिंग जी हाँ अब पेपर वन है एडवांस्ड अकाउंटिंग नाम बदल गया सिलेबस आप देख सकते हैं काम भी बदला हुआ है उसके बाद पेपर टू कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस की बातें करता है पेपर टू यहां भी कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस की यहां बातें करेगा पेपर थ्री कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हुआ करता था एग्जिस्टिंग स्कीम में अब अंडर न्यू स्कीम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग यहां पे हमें इंस्टीट्यूट पढ़ाएगा बिल्कुल वही नाम बिल्कुल वही चीजें राइट उसके बाद पेपर फोर पहले हुआ करता था सर यहाँ पे पेपर थ्री हो गया पेपर फोर हुआ करता था राइट और यहाँ पे देखिए ये पेपर फोर है पेपर थ्री पहले हमारा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग था नए वाले में पेपर फोर हो गया तो पेपर का नंबर चेंज होने से कुछ नहीं होता आपको कॉरेस्पॉन्डिंग सब्जेक्ट पे यहाँ पे ध्यान देना है राइट पेपर फोर हमारा टैक्सेशन हुआ करता था पहले एग्जिस्टिंग स्कीम में अब पेपर थ्री हमारा टैक्सेशन हो जाएगा राइट right. तो यानी ग्रुप वन में अगर आप बात करें तो कौन कौन से पेपर हैं सर आपके तो ग्रुप वन में आपके एडवांस्ड अकाउंटिंग है ठीक है सितारा बना देता हूं और यहां पे कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज हैं ठीक है और यहां पे टैक्सेशन आपका होने वाला है ठीक है फोर्थ पेपर की बात करें सेकंड ग्रुप के तो वो यहाँ पे यहाँ दो सितारे बना रहा हूँ सेकंड ग्रुप है यहाँ पे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग फोर्थ पेपर फिफ्थ पेपर आपका ऑडिटिंग एंड एथिक्स हो गया और सिक्स्थ पेपर आपका जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यहाँ पे हो गया है ठीक है तो ये आपके नए ग्रुप नए जो स्कीम के पेपर हैं ग्रुप टू के वो आपको यहां पे समझ में आते हैं अब सेकंड ग्रुप की बात करें पुरानी वाली स्कीम में एडवांस्ड अकाउंटिंग हुआ करता था यहां पे कोई नया पेपर नहीं है इसे पेपर वन से ही रिप्लेस किया गया है यानी आप समझिए सर पेपर वन और पेपर फाइव के लिए अब एक ही पेपर है नई वाली स्कीम में पेपर वन तो अगर आप इनमें से इन दोनों में से अगर आप दोनों में एग्जामेशन लेके आते हैं तो आपको एक ही पेपर की छूट यहाँ पे मिलेगी नई वाली स्कीम में वो है पेपर वन एडवांस्ड अकाउंटिंग राइट उसके बाद यहाँ पे पेपर सिक्स ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस की बात करता था यहाँ पे पेपर फाइव ऑडिटिंग एंड एथिक्स की बातें करता है राइट फोर्थ पेपर हमारा कॉस्ट वाला हो गया उसके बाद फिफ्थ पेपर ये सेवेंथ पेपर एंटरप्राइज इन्फॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एम ये अब हट गया है सर और उसके बाद एट्थ पेपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस इसकी जगह पे इन दोनों की जगह पे अगर आप इन दोनों को क्लियर कर लेते हैं तो आपको एक ही पेपर का एग्जामिशन मिलेगा वो है पेपर सिक्स जो बात करेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में आई होप आपको चीजें यहां पे समझ आती हैं तो यहां पे भी हमें समझना होगा कि सर पेपर सेवन और पेपर एट के लिए भी हमें केवल एक ही पेपर का एग्जामिशन नई स्कीम में दिया जाएगा वो है पेपर नंबर सिक्स ठीक है अगर इन दोनों में आपकी एग्जामेशन आती है ठीक है तो आपको पेपर सिक्स का एग्जामेशन मिल जाएगा ठीक है अब बच्चों के मन में डाउट आएगा सर ग्रुप वाइज कैसे चीजें काम करेंगी तो ग्रुप वाइज चीजें कैसे काम करेंगी उसके लिए इंस्टीट्यूट ने नीचे डिटेल्ड हमारे को बताया है और ये डिटेल जब बताने लगा इंस्टीट्यूट तो यहां पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है भयंकर तरीके से तो मैंने एक काम किया है मैं यहां पे इसको पूरा पढ़ा अच्छे से और मैंने देखा कि ये जो टेबल है इसमें आपको अपनी कैटेगरी पता होनी चाहिए कि आप कौन सी कैटेगरी के इंटरमीडिएट स्टूडेंट हैं और आपके कहां पे एग्जिस्टिंग स्कीम में क्या क्या ओल्ड स्कीम में पेपर पास हो चुके हैं तो ये टेबल को रीड करना आपको आना चाहिए सीना पे डाले हैं डिटेल्स ऑफ पेपर यूनिट ग्रुप पास पेपर पास अंडर एग्जिस्टिंग स्कीम और कॉरिस्पॉन्डिंग न्यू स्कीम के कौन से सब्जेक्ट हैं पेपर रिक्वायर्ड टू बी पास अंडर न्यू स्कीम एट इंटरमीडिएट लेवल और सेल्फ प्लेस ने बता दिए हैं तो यहां पे हेडिंग के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो बाकी सब चीजों को आप छोड़ करके क्योंकि मेजोरिटी स्टूडेंट जिस सिनेरियो में फॉल करेंगे वो है सिनेरियो नंबर टेन जी हा अगर आपने ग्रुप वन को पास किया है इन इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कंपिटेंस एग्जामिनेशन आई इंटरमीडिएट इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कंपिटेंस एग्जामिनेशन या इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन ये अलग अलग स्कीम के हिसाब से जो नाम हुआ करता था पहले सी इंटर का वो यहाँ पे लिखा हुआ है तो अगर आपने एग्जिस्टिंग स्कीम में या ओल्ड स्कीम में अकाउंटिंग पास की है तो अभी वो पेपर वन ग्रुप वन का अकाउंटिंग है देखिए ग्रुप वाइज लिखा हुआ है समझ में आता है ठीक है पेपर टू आपने किया है तो ग्रुप वन का पेपर टू है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज अभी भी नाम उसका कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज ही था अगर हम इमीडिएट रिसेंट जो एग्जिस्टिंग स्कीम है उसकी बात करें और पेपर थ्री जो है वो कॉस्ट एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसका नाम था ये उसका पहले नाम था कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये पहले हुआ करता था आईपीसीसी के टाइम पे और अब जो है पेपर फोर कॉरिस्पॉन्डिंग होगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर फोर पहले जो हुआ करता था वो टैक्सेशन था जो कि अब ग्रुप वन का पेपर जो है थ्री हो गया है ये ग्रुप टू का है पेपर फोर जो है ये ग्रुप टू का है सर पे ये टू लिखा हुआ है पे ठीक है तो मैंने ये कर दिया तो आपको दिखाई नहीं देगा अब देखिए देखिए ग्रुप टू का है ना जी हाँ चलिए तो अगर आपने ग्रुप वन क्लियर कर लिया तो आपको क्या क्या देना है पेपर तो आपको सेकेंड ग्रुप का पेपर फाइव देना है ऑडिटिंग एंड एथिक्स पेपर फोर क्यों नहीं देना सर कॉस्टिंग वाला कर लिया फिर आपको पेपर सिक्स देना है केवल ठीक है दो पेपर ये देने हैं और आपको चारों सेल्फ प्लेस्ड मॉड्यूल्स यहां पे लिखने पड़ेंगे राइट right? चारों यानी ए बी सी डी आपको चारों लिखने पड़ेंगे साथ ही आपको दो पेपर ही देने हैं अगर आपने ग्रुप वन सी ए इंटरमीडिएट का एग्जिस्टिंग स्कीम में क्लियर कर लिया है तो समझ में आती है मेरी बात जी हाँ सर बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है राइट right? अच्छा अब हम बात करते हैं ग्रुप टू अगर आपने पास कर लिया तो यहां पे आपको सिनेरियो नंबर बात करनी है ग्रुप टू पास इन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन एडवांस्ड अकाउंटिंग पेपर फाइव हुआ करता था उसके लिए अब आपका पेपर वन यहां पे कॉरस्पॉन्डिंग है पेपर सिक्स आपका ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस हुआ करता था उसके लिए पेपर फाइव आपका कॉरेस्पॉन्डिंग है पेपर सेवन आपका ई आई एस एस एम होता था और पेपर एट एफ एम और है दोनों के लिए ही एक ही पेपर है मैंने कहा था आपको पेपर सात और पेपर आठ के लिए अब नई स्कीम में ग्रुप टू में पेपर सिक्स ही एग्जाम होगा तो सर अब आपको नई स्कीम में क्या क्या देना है अगर आपका ग्रुप क्लियर हो चुका है सेकेंड ग्रुप तो आपको ग्रुप वन में पेपर टू देना पड़ेगा जो कि कॉरपोरेट एंड लॉस की बातें करता है ये आपको देना पड़ेगा अकाउंटिंग नहीं देना क्योंकि अकाउंटिंग ऑलरेडी आपने कर दिया तो अकाउंटिंग ऑलरेडी थी वहाँ पे ग्रुप वन में पेपर थ्री टैक्सेशन ये आपको अपियर होना है और ग्रुप टू में पेपर फोर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ठीक है तो ये तीन पेपर आपको देने होंगे अगर आपने एग्जिस्टिंग स्कीम में समझिए आप एग्जिस्टिंग स्कीम में अगर आपने ग्रुप टू को क्लियर कर लिया है ग्रुप टू इंटरमीडिएट का क्लियर कर लिया है तो तीन पेपर आपको नई स्कीम में देने होंगे कौन कौन से टैक्स का पेपर लॉ का पेपर और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर समझिए आप सर ठीक है साथ ही साथ ही आपको चारों यहां पे, चारों यहां पे सेल्फ प्लेस्ड मॉड्यूल्स भी फाइनल से पहले देने पड़ेंगे ठीक है लेकिन यहां पे आपको चॉइस दी गई है चार नहीं देने पड़ेंगे आपको यहाँ पे तीन देने पड़ेंगे और आपको ईदर ऑफ ध्यान से देखिए ईदर ऑफ इंस्टीट्यूट आपसे नंबर ऑफ पेपर्स बिल्कुल बराबर ही दिलवाएगा यहाँ पे तीन दे दिए ना तो यहाँ एक और दे दो चार हो जाएंगे ठीक है और चार और ये दो छ हो जाएंगे ऊपर भी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने दो दिए थे दो प्लस चार ये दो प्लस चार छ हो जाएंगे नीचे भी आपके पेपर टोटल छ हो जाएंगे जो नई स्कीम के हिसाब से छह पेपर आपको लग रहे हैं यहाँ पे तीन पेपर आपने ये दे दिए उसके बाद तीन ही सेल्फ प्लेस मॉड्यूल आपको देने हैं जो कंपलसरी वाले हैं वो तो देने ही हैं और इलेक्टिव वाले में आपको चॉइस दी गई है कि आप ग्रुप सी सेट सी और सेट डी में से चूज कर सकते हैं जो भी आपको देना है एग्जाम रिलेटिंग टू दी इलेक्टिव पेपर तो यहां पे भी आप छह ही पेपर देंगे चार यहां पे देंगे सॉरी तीन यहां पे देंगे और तीन यहां पे देंगे ऊपर में आप दो यहां पे दे रहे थे रिटर्न एग्जाम और उसके बाद इलेक्टिव पेपर सेल्फ प्लेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल वो आपको चार देने पड़ रहे थे तो आई होप इंस्टीट्यूट ने बहुत क्लियर कर दी हैं अब चीजें ये वीडियो मैंने बहुत ध्यान से इसको पढ़ा पहले और जो मैक्सिमम स्टूडेंट जिस कैटेगरी में फॉल करते हैं वो वाले सिनेरियोस को यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है आप फिर भी अपना सिनेरियो अच्छे तरीके से जांच कर अपने पेपर का नॉमिन क्लेचर जो है वो अच्छे तरीके से देख कर इस नोटिफिकेशन के थ्रू आप एक बार जरूर जाइए कोई भी डाउट होता है आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं साथ ही इस वीडियो को शेयर करिए यहां तक अगर आप बने हुए हैं वीडियो में तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अब चीजें क्लियर होती जा रही है इंस्टीट्यूट की तरफ से भी तो हमें भी अपनी पढ़ाई जो है सर वो तेज करनी पड़ेगी जी हाँ अब तेज कर दीजिए पढ़ाई अब दिमाग मत लगाइए ज्यादा इंस्टीट्यूट ने सारी क्लैरिटी दे दी है नई स्कीम को लेकर के जो भी मन में डाउट शंका शुभा शक जितने भी सवाल थे उनके धीरे धीरे आंसर इंस्टीट्यूट देता जा रहा है चीजें और साफ और क्लियर एकदम शीशे की तरह साफ होती जा रही हैं तो ज्यादा दिमाग लगाने की हमारे को जरूरत नहीं है इंस्टीट्यूट प्रोसीजरली अपना काम कर रहा है हमें भी पढ़ाई करके सी की एग्जाम में आगे निकलना है इस वीडियो में इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग हैव एन ऑसम डे और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ यू गाइज आर सो वेरी ऑसम आप लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं और हम सब मिल करके एक दिन बहुत बड़ा काम करेंगे सर थैंक यू हैव एन ऑसम डे इन्जॉय